मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी, राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट टू, जिसमें हम डबल ऑब्जेक्ट्स एंड अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट्स एंड अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। यहाँ देखो, वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत दूसरा नाउन दिया हुआ हो, यानी आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो वह नाउन दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस दो तरह से बनाया जा सकता है। यानी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यदि सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट का है तो पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बन सकती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो हम क्या क्या चेंजेस करते हैं। इसका डिस्कशन हमने पार्ट वन में भी किया है, यहाँ यह रिविजन मात्र है। देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रोनाउन बदलेगा और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग होता है। अब यहाँ पैटर्न वन पर हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट का है। ध्यान से देखना, राम टीचेस अस इंग्लिश। पहली बात आइडेंटिफाई करिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, राम। टीचेस क्या है, वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे यहाँ समझना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से चूज करूंगी। अस ये क्या है, ऑब्जेक्ट। देन इंग्लिश, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी ये एक नाउन है। तो अब ये ऑब्जेक्ट नंबर वन और ये ऑब्जेक्ट नंबर टू, बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट नंबर वन से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो अस का आपको ध्यान होगा कि वी हो जाएगा। ये डिस्कस हमने पार्ट वन में किया है, वी। अब वी क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, आर, ठीक है। देन टीचेस की थर्ड फॉर्म टॉट। अब यहां से ये अस तो चला गया, बचा क्या, इंग्लिश। इंग्लिश एज इट इज कॉपी कर दीजिए, ठीक है। और राम ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और उसके पहले बाय का प्रयोग होगा। बहुत इजी है, सारे नियम वही हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू की पहचान कर लें, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा इसका ध्यान कर लें, देन ऑब्जेक्ट वन से सेंटेंस बनाएं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं और बाकी बचा हुआ सेंटेंस लिखें जिसमें ऑब्जेक्ट टू आएगा और बाय के साथ जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस में रख दें। अब हम बात कर रहे हैं पैटर्न नंबर टू की, यानी अब हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वह ऑब्जेक्ट टू की सहायता से बनाएंगे। सेंटेंस देखो, राम टीचेस अस इंग्लिश। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। टीचर्स क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट, और प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर, ठीक है। तो ये एक काम यहां हो गया। अस ये ऑब्जेक्ट नंबर वन, इंग्लिश ऑब्जेक्ट नंबर टू, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट नंबर वन से पूर्व में पैसिव वॉइस बना चुके हैं, अब हम ऑब्जेक्ट नंबर टू की सहायता से पैसिव वॉइस बना रहे हैं। देखो, इंग्लिश एज इट इज कॉपी हो गया, टीचर्स का थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा, इंग्लिश इज टॉट। यहाँ तक वाक्य एज इट इज है, जैसा कि आपने पहले किया। अब एक चेंज आ रहा है, वो यह है
कि ऑब्जेक्ट नंबर वन से पहले टू लगाया जाता है, यानी टू प्लस ऑब्जेक्ट नंबर वन, देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट नंबर टू। ये अब आपको ध्यान रखना है, यदि आप ऑब्जेक्ट नंबर टू की सहायता से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो, ठीक है। देखो, टू अस देन बाय राम, तो सेंटेंस क्या हो गया, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय राम। नेक्स्ट देखो, यहां पर हमने पैटर्न वन और पैटर्न टू दोनों को ही साथ साथ लिया है ताकि आपको कंपैरिजन हो सके। यू शुड टीच मीरा अ लेसन, सेंटेंस में आइडेंटिफाई करिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, मॉडल लगा है कि नहीं, प्रेपोजिशन है कि नहीं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, गोइंग टू का स्ट्रक्चर तो नहीं है। ये सारी बातें हम पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखो, यू शुड टीच मीरा अ लेसन। अब यू क्या है, सब्जेक्ट, शुड क्या है, मॉडल। तो मुझे ध्यान है मुझे इसके साथ बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ मैंने लिख लिया ताकि मुझसे मिस्टेक ना हो। टीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब आपको ध्यान होगा कि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को डिनोट करती है, ठीक है। तो अब हमें हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह मॉडल लगा है, इसकी सहायता से हमें समझना होगा कि बी का प्रयोग होगा। प्लीज रिमेंबर, ओके। देखो, मीरा दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर वन, अ लेसन ऑब्जेक्ट नंबर टू। अब देखो, अभी हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट नंबर वन की सहायता से, तो मीरा यहाँ आ गया, शुड एज इट इज कॉपी हुआ, बी का प्रयोग हुआ, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है। अब ये मीरा तो उधर चला गया, बचा क्या, अ लेसन मैंने कॉपी कर लिया एज इट इज, देन बाय यू, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में भी। यू शुड टीच मीरा अ लेसन। अब यहां आपको समझना है कि यू शुड टीच मीरा अ लेसन, अ लेसन शुड बी टॉट टू मीरा बाय यू। अब यहां आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस सेम ही है पर पैटर्न हमने चेंज किया है। आपको ध्यान होगा कि अभी हमने बात करी थी टू प्लस ऑब्जेक्ट नंबर वन एंड बाय प्लस ऑब्जेक्ट नंबर टू, तो आपको यह याद कर लेना है, टू प्लस ऑब्जेक्ट नंबर वन बाय प्लस ऑब्जेक्ट नंबर टू, राइट। अब आगे चलते हैं, देखो, द डॉक्टर गेव रीटा एन इंजेक्शन। अब यहां मैंने कुछ नहीं लिखा है, आपको समझना है डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट, गेव क्या है, वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो मुझे तुरंत दिमाग लगाना है हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो सकती हैं, वॉज या वर। रीटा एन इंजेक्शन, तो दो नाउन मिले हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर वन एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर टू, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नंबर वन की सहायता से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर वन यहाँ आ गया, रीटा सिंगुलर है इसलिए वॉज का प्रयोग होगा, गेव सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होते गेव, सेकेंड फॉर्म गेव एंड द थर्ड फॉर्म इज गिवन। आपको वर्ब्स की फॉर्म ध्यान रखनी होगी, तो गिवन। अब मुझे सेंटेंस में क्या बचा, एन इंजेक्शन, वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, ठीक है। बाय द डॉक्टर, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और बाय का प्रयोग होगा। अब हम पैटर्न नंबर टू में ऑब्जेक्ट नंबर टू की सहायता से पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखो, एन इंजेक्शन
कॉपी हुआ। बाकी तो सेंटेंस सेम है, गेव तो वॉज गिवन, यहां तक ओके है। देन हमारा रूल क्या था, टू प्लस ऑब्जेक्ट नंबर वन बाय प्लस ऑब्जेक्ट नंबर टू, ठीक है, तो टू रीटा बाय द डॉक्टर, राइट, समझ में आ गया। अब देखो यदि डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू हो तो, अब एक दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से इसे लिखिए और समझिए, अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। लेट को वाक्य के आरंभ में ही रहने देते हैं, लेट की प्लेस चेंज नहीं होगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब सेंटेंस देखते हैं, देखो, लेट हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह का सेंटेंस आया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। आपको ध्यान होगा अभी हमने कहा था कि लेट एज इट इज कॉपी होगा। अब सेंटेंस बचा हिम ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब रूल्स फिर से देखिए, पैसिव वॉइस में डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अब इसका निर्जीव ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये यहां कॉपी हो गया, अ ग्लास ऑफ वाटर। देन बी का प्रयोग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखो, लेट हिम स्टडी द नॉवल, लेट एज इट इज कॉपी हो गया, सेंटेंस बचा हिम स्टडी द नॉवल। लेट वाले वाक्य में हम लेट को एज इट इज कॉपी करते हैं। जो यहाँ का निर्जीव ऑब्जेक्ट है इसे अब हम सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, द नॉवल, बी का प्रयोग करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी का स्टडीड, देन बाय हिम, ठीक है। आगे देखो, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, यदि एक्टिव वॉइस में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका महत्व ना हो, वो यहां हमने लिखे भी हैं, आगे देखना अभी, अर्थात अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, अर्थात बाय के साथ वह सब्जेक्ट कॉपी डाउन नहीं किया जाता है। यहां देखो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से नोट डाउन करिए, दे वी पीपल ऑल ऑफ देम समवन समबडी एवरीवन एवरीबडी, ठीक है, एंड देन चिल्ड्रन। परंतु यहां पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि बाय सम पीपल हो सकता है और बाय मैनी पीपल हो सकता है, तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी होगी एग्जाम में कि आप बाय सम पीपल लिख सकते हैं, बाय मैनी पीपल लिख सकते हैं, परंतु बाय पीपल या बाय ऑल पीपल नहीं लिख सकते हैं। आगे देखो एग्जाम्पल, पीपल टेक लंच इन द आफ्टरनून। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस को शुरू कहाँ से किया जाए। बच्चों रूल तो सेम ही है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, लंच यहाँ आ गया, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर में से कुछ चूज करना है, तो लंच के साथ इज, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, इन द आफ्टरनून, वेरी इजी। परंतु आप ध्यान देंगे कि हमने इस पीपल को बाय पीपल यहां नहीं किया है, राइट, इसकी जगह बाय सम पीपल हम कर सकते थे, परंतु यहां तो लिखा हुआ ही पीपल है,
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैनी पीपल टेक लंच इन द आफ्टरनून। इस तरह के वाक्य में आपको मैनी पीपल क्या है, सब्जेक्ट, टेक क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे पता है कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई लगेगी। देन लंच क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लंच। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होगा, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म टेकन, देन बाय मैनी पीपल, राइट, और इसके बाद इन द आफ्टरनून। पिछला सेंटेंस देखो, हमने इसमें पीपल से पहले बाय का प्रयोग नहीं किया है, यही बात आपको ध्यान रखनी है, परंतु यहाँ हमने बाय मैनी पीपल लिखा है। नेक्स्ट देखो, सम पीपल राइट नॉवल्स। अब यहाँ भी सम पीपल क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइट क्या है, वर्ब, नॉवल्स क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई लगेगा, नॉवल्स ये क्या है, प्लूरल, तो क्या लगेगा, आर, ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय सम पीपल, यानी बाय सम पीपल हो सकता है, बाय मैनी पीपल हो सकता है, परंतु बाय पीपल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, दे प्रेज्ड मीरा इन द मीटिंग। दे क्या है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, प्रेज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से कोई, मीरा ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग सेंटेंस, मीरा यहाँ कॉपी हो गया, प्रेज्ड की थर्ड फॉर्म भी प्रेज्ड है, क्योंकि प्रेज, प्रेज्ड एंड प्रेज्ड, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा है क्योंकि मीरा सिंगुलर है, बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज कॉपी हो गया, हमने बाय दे नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखो, समवन इज वेटिंग फॉर मीरा आउटसाइड। यहां पर देखो, समवन ये क्या है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इज वेटिंग आईएनजी फॉर्म है, तो क्या लगेगा, बीइंग, फॉर मीरा आउटसाइड, मीरा क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आ गया, इज बीइंग वेटेड, ठीक है, क्योंकि वेट फर्स्ट फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म वेटेड, ठीक है, देन रिमेनिंग आउटसाइड, तो सेंटेंस क्या हुआ, मीरा इज बीइंग वेटेड आउटसाइड। अभी हमने यहां पर बाय समवन नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखो, एवरीवन लाइक्स मोहित फॉर हिज बिहेवियर। तो यहां पर एवरीवन क्या है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, लाइक्स क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक, मोहित क्या है, ऑब्जेक्ट, देन फॉर हिज बिहेवियर, तो मोहित यहाँ कॉपी हो गया, मोहित के साथ क्या लगेगा, इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, रिमेनिंग सेंटेंस फॉर हिज बिहेवियर, बाय एवरीवन नहीं लिखा जाता है। चिल्ड्रन प्ले टेनिस इन द ग्राउंड। यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगेन हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर में से कोई चूज करना है, टेनिस इन द ग्राउंड, तो टेनिस क्या है, ऑब्जेक्ट, टेनिस सब्जेक्ट की जगह आ गया, ठीक है, टेनिस सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग होगा, इज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, इन द ग्राउंड, परंतु हमने बाय चिल्ड्रन नहीं लिखा है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट टू बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट सेशन में हम एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट थ्री डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, गुड बाय।